महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप HD 2.0L में मिलता है 10 फीट लंबा डाला AC। हेलो दोस्तों, मैं शिवम कोटेचा, मेरी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी आप जो सामने देख रहे हो महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप HD 2.0L AC है। इसमें दो वेरिएंट मिलते हैं, LX और VXI। और अगर इसे AC में लेते हैं तो एक वेरिएंट मिलेगा VXI। स्टार्टिंग रेंज 11,22,000, वारंटी 3 ईयर, 1,00,000 किलोमीटर। तो चलो फ्रंट से शुरुआत करते हैं। हेलोजन हेडलैम्प, कॉर्नरिंग लैंप और बेस वेरिएंट में कॉर्नरिंग लैंप नहीं मिलता है। टर्न इंडिकेटर, क्रोम ग्रिल मिलती है, बेस वेरिएंट में सिल्वर ग्रिल मिलेगी। मेटल का बम्फर मिलता है और बम्फर पे एक सेफ्टी के लिए व्हाइट कलर की रिफ्लेक्टर की पट्टी मिलती है। फोग लैंप की जगह दी गई है, आप चाहे तो बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। काफी मजबूत टोइंग हुक और ये बोनट पे छोटे छोटे क्रिसेंट कट इसे काफी खूबसूरत लुक देते हैं। रूफ पे डिजाइन, तो चलो अब साइड की बात कर लेते हैं। 16 इंच के टायर मिलते हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है। लिप स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं और रियर के कमानी पट्टे एक्सेल के ऊपर मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर, बोलेरो मैक्स पिकअप की बेजिंग, साइड ग्राफिक्स, एक स्कूल की बेजिंग, ब्लैक ORBM, ब्लैक डोर हैंडल्स, चढ़ने के लिए फुट स्टेप और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया मिलती है। और इसमें IMX टेक्नोलॉजी मिलती है जिसमें 45 फीचर एक्सेस कर सकते हैं। जियो फेंसिंग, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और सेफ्टी के लिए साइड प्रोटेक्शन गार्ड मिलता है। 16 लीटर का डीजल का टैंक मिलता है। HD 2.0L की बेजिंग, 3290 mm का व्हील बेस मिलता है, मड गार्ड। तो चलो अब रियर की बात कर लेते हैं। टेल लैंप और बेस वेरिएंट में हेलोजन टेल लैंप मिलते हैं। दो रिवर्स पार्किंग सेंसर और पीछे भी एक सेफ्टी के लिए रेड कलर की रिफ्लेक्टर की पट्टी मिलती है और रियर में भी प्रोटेक्शन गार्ड मिलता है सेफ्टी के लिए। तो चलो अब मैं आपको डाले की लंबाई और लोड कैपेसिटी बता देता हूँ। 10 फीट लंबा डाला मिलता है, 2 टन की पेलोड कैपेसिटी मिलती है, 3895 kg का GVW मिलता है। तो चलो फ्रंट ड्राइवर केबिन देख लेते हैं। ब्लैक डोर हैंडल्स, लॉक एंड अनलॉक स्विच, पकड़ने के लिए ग्रिप हैंडल, मैन्युअली कांच अप एंड डाउन करने के लिए हैंडल मिलता है, 1+2 की पार्सिंग मिलती है, फेब्रिक की सीट मिलती है और सीट की कुशनिंग ऑल और बढ़िया है, लाइट एडजस्टमेंट, पावर स्टेयरिंग मिलता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो दिखाता है ट्रिप ए, ट्रिप बी और ओडोमीटर। म्यूजिक सिस्टम की जगह दी गई है, आप चाहे तो बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। मैन्युअली डे नाइट IRBM, को ड्राइवर साइड सनवाइजर, ड्राइवर साइड सनवाइजर और ओवरऑल फिट एंड फिनिश भी बढ़िया मिलती है। और इसमें आपको मिलती है AC+ हीटर, डिफोगर, हेजल लाइट स्विच, यहाँ थोड़ी जगह दी गई है, आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं, 12 वाट चार्जिंग पोर्ट, बैटरी कट ऑफ की स्विच, वाइपर कंट्रोल, हेडलाइट कंट्रोल, लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिलता है, हेलोजन केबिन लैम्प, बोटल होल्डर, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल आती है, आप इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं और रिक्लाइन भी कर सकते हैं। लेकिन आप इसका बेस वेरिएंट लेंगे उसमें आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगी और ऐसी 2 की मिलती है। तो चलो इंजन देख लेते हैं। इंजन M2 DI 4 सिलेंडर, 2523 cc, पावर 59 kW, टॉर्क 220 Nm। तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपका फेवरेट पिकअप कौन सा है। वंदे मातरम।